नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। विपक्षी दलों के तमाम दिग्गजों का मुंबई में जुटना शुरू हो चुका है। एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत कर ले की कोशिश की जा रही है। स्वागत हो भी रहा है। इंडिया यानी कि INDIA जो गठबंधन है, उसकी इस बैठक में 28 दलों के 63 नेता हिस्सा ले रहे हैं। दो दिनों की बैठक में गठबंधन के भविष्य से लेकर अभियान तक इन सब चीजों पर चर्चा हो। वैसे दावा है कि INDIA की दो बैठकों के बाद ही सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दी। इंडिया के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार को अब जाकर बहनों की याद आई, जबकि पिछले कई सालों में उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। इंडिया के नेताओं की माने तो उनकी रणनीति बिल्कुल सटीक है और एनडीए में घबराहट। बैठक गुरुवार को शुरू होगी। उससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र के तमाम घटक दलों के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात आगे रखी और कहा कि लड़ाई देश को बचाने के लिए। हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है। लेकिन बड़ा मुद्दा सीट बंटवारा है। ये क्यों मुद्दा अहम है विपक्षी एकता के लिए, इस पर अभी बात करेंगे आगे। पहले की दो बैठकों में इस पर कोई बात नहीं हुई। अभी कुनबा बढ़ाने पर ही जोर है। अब आप याद कीजिए कि कैसे 17 से 26 हुआ, फिर 28 हुआ। दूसरी बैठक में 26 था, पहली में 17 था, इस बार 28 का दावा किया जा रहा है। शरद पवार ने कहा है कि फिलहाल सीटों पर बात नहीं हुई। इनकी भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है, और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंसेस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी सुर्खियों में आई बात क्या है, वो ये है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन हो। इस पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं, अरविंद केजरीवाल होंगे। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे, चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। हालांकि उनकी पार्टी ने आधिकारिक बयान देकर के ये कहा है कि ये प्रियंका कक्कड़ की निजी राय है। बहुत मजेदार होता है कि कैसे कोई बड़ी मीटिंग से पहले कुछ निजी राय सामने आने लग जाती हैं, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही नहीं होता, और भी कई जगह हमने देखा है। कांग्रेस में भी आपको याद होगा अलका लांबा ने एक बयान दिया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 7 सीटों पर अपनी तैयारी करेगी, तो उसको भी कांग्रेस ने अपना निजी बयान बता दिया। वहीं इस तरह की बात समय समय पर जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, इन सब लोगों के लिए भी कही जाती रही। इनके अपने अपने नेताओं को ये प्रधानमंत्री की भूमिका में देखो। कांग्रेस भी राहुल गांधी को सबसे बड़ा चेहरा बताने में पीछे नहीं रहती। यानी कि एक अनार और 100 उम्मीदवार, एक पद की उम्मीदवारी के लिए कई दावेदार। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले नेताओं का उल्लेख करने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन जरा सोचिए, उधर मोदी तो इधर कौन, इस बहस में क्या ये वाकई जो है ये विपक्ष के लिए एक डिसएडवांटेज है? क्योंकि एक ये दिया जाता ना एक तर्क कि देखो इतने सारे लोग हैं, सब पीएम बनना चाहते हैं, पीएम की होड़, तो इसको एक नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन क्या ये वाकई एक डिसएडवांटेज है? एक नजरिया ये भी है, और ये हो भी सकता है, कि कितने लोग प्रधानमंत्री बनेंगे या उस पद पर दावेदारी करेंगे। या एक दूसरा नजरिया ये भी है कि अगर हर पार्टी में अपने नेता को प्रधानमंत्री पद पर देखने की एक ख्वाहिश, एक इच्छा जग उठे, तो शायद
उन पार्टियों का काडर और मजबूती से काम करे, और मजबूती से तैयारी करे, और मजबूती से लड़ाई लड़े, हो सकता है कि कुछ सफलता भी हासिल हो जाए। और चुनाव की रणभूमि में ये कॉन्फिडेंस लेकर उतरना क्या इतनी बुरी बात भी है? इस बारे में भी अब जो विपक्ष दल हैं वो इसको इस तरीके से भी देखें। कुछ ऐसा ही सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा गया, सुनिए उन्होंने जवाब किया। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है, सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब इस बैठक में क्या होगा इसको लेकर जानकारी आपको दे देते हैं। ये देखना है ना कि इस बैठक में क्या होना है। सबसे पहली बात, चेहरे की कोई घोषणा नहीं होगी, तो प्रधानमंत्री को लेकर के जो इतनी बातें हो रही हैं वो इस जो चर्चा होनी है दो दिन की विपक्षी एकता की, इसमें वो एजेंडा ही नहीं है। नंबर दो, अध्यक्ष चुने जाने पर चर्चा होगी कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसका प्रेसिडेंट कौन हो, अध्यक्ष कौन। नंबर तीन, कोई झंडा नहीं होगा, फ्लैग की बीच में बात चल रही थी कि हम एक झंडा करेंगे, वो नहीं होगा। लोगो जारी किया जाएगा कि एक लोगो बना देंगे कि भाई ये है हमारा गठबंधन। थीम सॉन्ग रिलीज हो सकता है कि एक थीम सॉन्ग बन जाए कि भाई सब लोग चुनाव से पहले वही गाना बजाएं और गाएं। सचिवालय विपक्षी एकता का ये जो मंच है इसका एक सेक्रेटेरिएट, एक सचिवालय दिल्ली में होने की बात होगी। सचिवालय का मुखिया कौन होगा इसको लेकर के भी बात होगी, और यहीं पर जो है जो अंतर विरोध है सब पार्टियों के वो इसी सचिवालय में उस पर चर्चा हो और समाधान निकालना, ये सब इस सचिवालय का काम होगा। इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी। सचिवालय चलाने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, उन सदस्यों के नाम हो सकता है कि इस बैठक में आ जाए। 3 सब ग्रुप होंगे जिनमें 6-6 सदस्य होंगे। सीट शेयरिंग का फैसला राज्य स्तर पर किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल लेवल पर उस पर चर्चा नहीं होगी, राज्य स्तर पर वो हो सकता है। आप सेक्रेटेरिएट बना लीजिए, लोगो बना लीजिए, 17 से 26 और फिर 28 दलों को आप एक साथ भी ले आइए और उसमें भी सफलता हासिल कर लीजिए, ये तो उपलब्धियों में गिनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि लड़ने की रणनीति क्या हो, और वो अभी तक तय नहीं हुई है। ये तीसरी बैठक होने जा रही है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि जो एक अड़चने थी विपक्षी एकता में, जो वजहें बताई जा रही थी, तकलीफ, पेन पॉइंट जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है, वो पेन पॉइंट तो अभी भी हैं। मसलन आइए नजर डाल लें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की टक्कर। दूसरी बात, दिल्ली और पंजाब में कैसे एकजुट होकर के ये लड़ेंगे, इनकी तो लड़ाइयाँ ही चलती रहती हैं। एक ने ये सुझाव दे दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, तो एकदम बवाल कट गया। या फिर आप प्रियंका कक्कड़ का बयान देख लीजिए कि उस पर आम आदमी पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं भाई, हम प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार में जुटी हुई है, और ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि कांग्रेस शासित हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ तो काडर मजबूत करेंगे राज्य चुनाव में, और उसके बाद फिर केंद्र में आप ये समझेंगे कि हम लोग एक साथ हो जाएं, और फिर एक अजीब सा भाईचारा बना रहे जो अभी कुछ महीने पहले लड़ाइयां हो रही थी। ये जो अंतर विरोध है ना, इसको कैसे सुलझाया जाएगा, वो अभी तक उस पर रणनीति नहीं बनी। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से भी इंडिया में शामिल कई दल हो सकता है परेशान हों। ये जो लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में वाद विवाद चलता रहता है, प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर ये जो बयानबाजी हो रही है, क्या इस पर रोक लगेगी, क्योंकि ये बयान आ रहे हैं, सब नेता दे रहे हैं। बंगाल में ये तो अभी तक हमने आम आदमी पार्टी और पार्टियों के बारे में बात की, बंगाल में कांग्रेस बनाम तृणमूल बनाम लेफ्ट, तीनों ही एक दूसरे के खिलाफ, लेफ्ट और कांग्रेस तो साथ में भी आए हैं, लेकिन ये सब साथ में कैसे आएंगे और ये अंतर विरोध इससे कैसे निपटा जाएगा। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जहां ये मीटिंग हो रही है वहां पर एनसीपी में एक टूट हो गई है, क्या दूसरे दलों में भी एनसीपी जैसे हालात दिखेंगे? सबसे बड़ी बात, शरद पवार कितने भरोसेमंद हैं इस पर भी सवाल उठते रहे हैं लगातार, कांग्रेस में, टीएमसी में, आप और नेताओं से बात कीजिए, आप देखेंगे ये सुगबुगाहट इस तरीके की रहेगी। अब इसकी वजह यह है कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि पार्टी में कोई टूट नहीं हुई, कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के आपसी टकराव बहुत ज्यादा,
अब एक बात जो हो रही है वो जल्दी चुनाव की, क्योंकि आप जानते हैं इसको लेकर के भी लगातार चुनावों से पहले बात होती है कि कहीं जल्दी चुनाव ना करा दिया जाए। विपक्ष को लग रहा है कि सरकार जल्दी चुनाव करा सकती है, 2024 की जगह 2023 में ही ना करवा दे, कि उनको ये लग रहा हो कि विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, उनको एकजुट होने से पहले ही चुनाव करा दें। अब आपको ये भी बता दें, ये तर्क 2003 में दिया जा रहा था, 2008 में दिया जा रहा था, 2013 में दिया जा रहा था, 2018 में दिया जा रहा था, आज 2023 है फिर यही तर्क दिया जा रहा। ममता बनर्जी नीतीश कुमार ने जल्द चुनाव की संभावना जताई, इस बात की संभावना भारतीय जनता पार्टी, ये वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस बात की संभावना है कि बीजेपी दिसंबर में ही चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार कहते हैं बीजेपी को वक्त के साथ ज्यादा नुकसान की आशंका है, विपक्षी एकता से डरी हुई, इसलिए हो सकता है जल्दी चुनाव करा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी, हालांकि वहां से कोई जवाब नहीं आया है 2024, और आप ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है अयोध्या में वो तो जनवरी में होनी है, दिसंबर में चुनाव कर देंगे तो ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। फिर उसका आप ये कहते हैं कि वो चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर पहले कैसे चुनाव करा दें, हो सकता है कि राम मंदिर में पूजा करने के बाद करें। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है विपक्ष के लिए वो ये है कि अगर मान लीजिए आप ही के तर्क से चुनाव जल्दी हो जाते, तो क्या आप जल्दी चुनाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तीसरी बैठक है अभी तक उस तरीके का जो एकदम फाइन कॉम से जो प्लानिंग करनी है वो तो हमको दिखाई दे नहीं रही है, लोगों को जारी हो रहा है, लेकिन वो जो एकदम बारीकी वाली जो समस्याएं हैं क्या उनका निवारण हो गया, उनका समाधान आ गया? ये कुछ सवाल हमने पूछे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से। इंडिया के मामले में जो गठबंधन नया बना है उसको लेके बहुत ज्यादा भ्रांति है, जो लोग जो उसके अंदर है जिनको सारी बातों की समझ है वो कुछ अपनी बात कह नहीं रही, और जो लोग जो अधिकृत नहीं है वो बातें कहते हैं और अपने अपने मन की अपने अपनी पार्टी के हिसाब से कहते हैं। मुझे लगता है कि मुंबई का सबसे बड़ी उपलब्धि इंडिया गठबंधन के लिए ये होगी कि वहां ये तय हो जाएगा कि केवल अधिकृत लोग, मतलब एक स्टीयरिंग कमेटी या कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 7-8 या 11 मेंबर्स की होगी, केवल वही लोग जो है बयान दे पाएंगे। मतलब राजनीतिक दल तो उसमें 26 है, लेकिन बयान देने की या उसके गठबंधन के बारे में बातचीत करने के लिए अधिकृत रूप से केवल 7 या 8 लोगों को मनोनीत किया जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि ताकि एक सुर में इंडिया गठबंधन के बारे में बातचीत और संवाद हो। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की सोच बिल्कुल अलग है, वो अपने आप को नरेंद्र मोदी या भाजपा एनडीए के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहता कि जहां एक चेहरा हो और उसकी राजनीति, पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमे। यहां बिल्कुल उल्टा मामला होगा, 6-8-10 चेहरे होंगे, उन चेहरे जो अपने राज्यों में अच्छी मतलब कोशिश करेंगे कि भाजपा को या एनडीए को हराए, और उसके बाद फिर तय होगा जब एक बार भाजपा और एनडीए का राजनीतिक रूप से पतन हो, उनको 272 से वंचित रखा जाए, तब इसके ऊपर बैठ के फैसला होगा कि प्रधानमंत्री कौन हो। इंडिया अलायंस को एक उनके जो विरोधी हैं वो एक चश्मे से देख रहे हैं, और उनको ऐसा नकारा, निकम्मा और अवसरवादी के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, और उसके प्रयास में जो संचार माध्यम है उसके जरिए भी घेराबंदी हो रही है कि ये तो सब लोग जो है ये जुड़ के आ गए कि तरह से सत्ता को हथिया लिया जाए। और उसके दूसरा पहलू है जिसमें एक सोच है, जो एक मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो एक कोऑर्डिनेशन पैनल बनेगी, एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, एक ये तीसरी मीटिंग है, इसमें कोई 26 दलों में से कोई छोड़ के नहीं गया, नरम गरम जरूर ऐसे पहलू आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन कोई मनभेद मतभेद कोई बड़े रूप से नहीं सामने आए हैं, और ये इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी जो मुंबई से जो एक संदेश आने वाला है वो मुझे लगता है वो 400 या उससे ज्यादा सीटों पर एक इकट्ठा चुनाव लड़ने का है, कि एक लोकसभा की क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार उतारा जाएगा, और इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी और भाजपा बहुत तरीके से चिंतित है, और वो बार बार इनको एक ऐसा जो इंडिया अलायंस है उसको कमजोर और निकम्मा और अवसरवादी साबित करने पे तुली हुई है, जबकि स्थिति बरक्स है। आप अगर स्मरण करें तो 14 और 19 में कोई भी प्री पोल अलायंस जो था वो नहीं था, गठबंधन जरूर हुए थे लेकिन प्री पोल अलायंस नहीं था। अगर प्री पोल अलायंस होता है 450 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ केवल एक उम्मीदवार खड़ा होता है, तो भाजपा की समस्याएं, एनडीए की समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छा, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए को मजबूत करने में जुटी हुई है। जिस वक्त मुंबई में इंडिया की बैठक हो रही है उसी वक्त मुंबई में एनडीए के दलों की भी बैठक होगी।
पिछली बार भी जब इंडिया की बैठक हुई थी तो एनडीए ने भी अपनी ताकत दिखाई, यानी अभी आमने सामने एनडीए और इंडिया ही दिख रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। ऐसा है कि तीन बड़े विषय INDIA के समक्ष हैं, जिनका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है 140 करोड़ जनता को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर की जरूरत है। मैं इन तीनों प्रश्नों की उपस्थापना आपके समक्ष करती हूं। पहली बात, संयोजक कौन होगा? अभी तक इस पर चर्चा चल रही है कि कौन संयोजक होगा। अब बात निकली कि करीबन 11 लोगों की कमेटी संयोजना करेगी, तो ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि 11 लोगों की कमेटी संयोजना करती है। दूसरा, मैं पूछना चाहती हूँ कि इनका सीट शेयरिंग पैटर्न क्या होगा, किस तरह से ये लोग सीटों को अपने बीच साझा करेंगे, किस सीट पर कौन खड़ा होगा, कौन सा दल खड़ा होगा, इस बात को कैसे तय किया जाएगा। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इनका नेता कौन है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इनके पास नहीं है। 26 विपक्षी दल इनके साथ हो या 28 हो या 30 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब लोग प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। पद एक ही है, दावेदार अनेक है। अखिलेश यादव भी हैं, उदय उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी जी हैं और राहुल गांधी तो हैं ही। तो मुझे लगता है कि जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, आप सोचिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए दिल्ली या पंजाब छोड़ देगी क्या? प्रथम। और दूसरा, आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अपने उम्मीदवार देगी। और आप याद रखें कि करीबन जब से देश की स्वतंत्रता हुई है तब से अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जितने भी साधारण निर्वाचन हुए हैं, करीबन 400 सीटों में कांग्रेस अपनी अपना कैंडिडेट देती आ रही है। तो अभी 400 सीटों में न देकर अगर कांग्रेस संकुचित होती है तो कौन सा सीट छोड़ेगी और कौन से सीट में अपना उम्मीदवार देगी? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आंतरिक विरोधाभास बहुत है, बहुत सारी बातें हैं जिनके उत्तर इनके पास नहीं है, तो देश को क्या देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये टिकने वाली वाला ग्रुप है। 2014-2019 के पहले भी विपक्षी दलों ने ऐसी ही कवायद की थी, लेकिन हम सबको पता है कि उन कवायदों का क्या हुआ। तो पॉलिटिक्स में क्या है कि हर किसी को ये हक है कि वो एम्बिशियस रहे, ज्यादा से ज्यादा जो उनका ओहदा हो, पोस्ट हो, उसके लिए कोशिश करे। तो इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती। और मैं आपको ये बताऊं कि जो इंडिया अलायंस हमारी है उसमें बहुत अच्छे और बहुत सीजन्ड लीडर हैं। बहुत सारे लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं हमारे इंडिया में, इतने सारे लीडर हैं। तो इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती, कोई भी बन सकता है। हम इंडिया अलायंस के यहाँ से मेरे ख्याल में कम अज कम 10 लीडर ऐसे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आखिरकार जो हमने 9 साल में देखा, ये 10वां साल है, क्या तूफान किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? ना नौकरियां हैं कहीं पे, यहाँ पे महंगाई है, बिजनेस कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, कंजम्पशन बैठ गई है, गरीब लोग तो उनका तो बुरा हाल है। तो क्या तूफान किया मोदी जी ने, मुझे समझ नहीं आता। डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोटबंदी, GST इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ नहीं आता है कि किस तरह से काम हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास मौका है अब हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उनके पास हमारे पास एक पॉजिटिव एजेंडा हम ले जाएंगे। उनको हम कहेंगे कि बीजेपी के टाइम में सिर्फ नफरत फैली और कुछ ही, नफरत फैली, महंगाई फैली, मगर खुशहाली नहीं फैली, अच्छे दिन नहीं आए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव एजेंडा लाए और हिंदुस्तान को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाए, जो सचमुच सबकी प्रोग्रेस हो, यानी कि कुछ लोगों की प्रोग्रेस हो, मोदी जी और उनके दोस्त, उनके अलावा जो आम लोग हैं उनकी प्रोग्रेस हो, उनकी जब उनकी तरक्की होगी हिंदुस्तान खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। कल ही देखा कि गैस सिलेंडर के प्राइसेस, कीमतों को कम किया गया, कहा कि भाई राखी का गिफ्ट दे रहे हैं,
मुझे ये बताइए कि 2021 में गिफ्ट क्यों नहीं मिला राखी का, उस वक्त प्राइसेस बढ़ा दी। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। किसानों की आत्महत्या पर लगातार बहस होती है। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन किसानों की आत्महत्या के मामले आने खत्म नहीं होते। हर सरकार खुद को किसानों की हितैषी बताती है, फिर भी किसान जान दे रहे हैं। आखिर क्यों हो रही हैं ऐसी इस तरीके की हत्याएं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाना पड़ रहा है? इनकी अनदेखी एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि इस अनदेखी को कैसे खत्म किया जाए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पिछले 7 महीनों में 73 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस साल विदर्भ में 1500 से ज्यादा अन्नदाताओं ने जान दे दी है। जान लीजिए, ये वही महाराष्ट्र है जहां पर INDIA और NDA अपना अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। ये उसी महाराष्ट्र की कहानी। 83 दिन यवतमाल में 82 किसानों ने अपनी जान दे दी। अभी भी किसान परेशान हैं क्योंकि पहले बेमौसम बारिश हुई और फिर उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही है, जिस वजह से फसल खराब हुई। ज्यादातर किसान आज भी बारिश पर निर्भर। NCRB का डेटा जो है वो ये कहता है कि 2021 में करीब 5563 खेतिहार मजदूरों ने आत्महत्या की। 2020 की तुलना में ये 9% ज्यादा है। वहीं 2019 की तुलना में 29% ज्यादा। सबसे ज्यादा 1424 खेतिहर मजदूरों ने महाराष्ट्र में जान दी। वहीं कर्नाटक में 999 मजदूरों ने आत्महत्या की और आंध्र प्रदेश में 584। दरअसल इसको समझने की जरूरत है कि ये जो मजदूर हैं ये कौन है। ये वही किसान हैं जो जमीन से जब मुनाफा नहीं होता तो खेती छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं, लेकिन वहां भी इन्हें बहुत कुछ नहीं मिल पाता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 830 किसानों ने जनवरी से अप्रैल के बीच आत्महत्या की। औसतन हर रोज 7 किसानों ने जान दी। 830 आत्महत्या में सरकार ने 283 मामलों को मुआवजे के लिए सही माना। यानी कि सोचिए, 830 आत्महत्या, सिर्फ 280 या 283 मामलों में ही मुआवजा, बाकी लोग उनका क्या होगा? 1,00,000 रुपए मुआवजा दिया जाता है। वहीं 2006 के बाद मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई गई। अब आप सोचिए, 2006 से पहले तो आप बोझ के तले दब करके आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, और उसके बाद फिर अगर आपने आत्महत्या की तो उसमें भी बहुत कम प्रतिशत लोग मुआवजे के हकदार, और वो भी मुआवजा क्या जो 2006 में तय हुआ। ये कैसी स्थिति? अपना अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे अलग अलग पार्टी के नेता, जरा कुछ इस बारे में भी सोचे। नाम जीवन दास, लेकिन 2.5 लाख के कर्ज के बोझ ने जीवन खत्म करने पर मजबूर कर दिया। चंद्रपुर के 45 साल के जीवन दास धान की खेती करते थे, अब पत्नी और बच्चे बेसहारा हैं। मैं उन्हें बार बार कहती थी कि आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सबका कर्जा चुका देंगे, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरे बच्चों के बारे में बिना सोचे खुदकुशी की। मुझे आज तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। मेरे परिवार को मदद करने की विनती मैं करती हूँ। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसानों की हालत बुरी है। इस साल 73 किसानों ने अपनी जान दी है। इनमें पिछले महीने यानी जुलाई में जान देने वाले 15 किसान शामिल हैं। चंद्रपुर जिले में बीते 7 महीनों में 73 किसानों ने खुदकुशी की है। साल 2001 से 2023 तक 1148 मामले खुदकुशी के सामने आए। 745 किसान ऐसे थे जिन्हें सरकारी मुआवजा मिलना था। इनमें 329 किसान ऐसे थे जो मुआवजे के लिए पात्र नहीं थे। इसमें दिसंबर 2022 से 48 केस पेंडिंग हैं। पिछले 5 सालों में 446 किसानों ने अपनी जान दे दी है। इस साल जून जुलाई में बाढ़ और बारिश ने किसानों का बड़ा नुकसान किया है। वहीं बिना बारिश का अगस्त महीना भी डरा रहा है। पेशे से खुद किसान और महाराष्ट्र के किसानों की आवाज उठाने वाले शशि सोनाम ने मांग कर रहे हैं कि प्रभावित क्षेत्र में अकाल घोषित हो। राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से तुरंत मांग यही है कि अभी महाराष्ट्र में कुछ जिले ऐसे हैं कि वहाँ पर तुरंत ही आप अकाल घोषित करो। ये अकाल घोषित करने से जो बच रही है सरकार है वो गलत है। आपके पास यंत्रणा है, आप उस तरह से सर्वे कीजिए और जो जिले ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ पर तुरंत अकाल घोषित करें, और जहाँ अकाल सदृश परिस्थिति लग रही है वहाँ पर उपाय योजना कीजिए, आपकी पूरी यंत्रणा उसमें लगाइए।
लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने दारी बोल रही है, तो जाके वो पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रही है, जबकि इन सवालों को उन्होंने एड्रेस करना चाहिए। हमारे पास एक सुपर मुख्यमंत्री और दो सुपर डिप्टी सीएम है, लेकिन यंत्रणा किसानों के पक्ष में काम नहीं कर रही। बताया जाता है कि इस साल विदर्भ में 1567 अन्नदाताओं ने जान दी है। 83 दिनों में यवतमाल के 82 किसानों ने आत्महत्या की है। जानकार बताते हैं कि अगले 12 से 15 दिनों तक इसी तरह बारिश नदारद रही तो महाराष्ट्र के किसानों का हाल बद से बदतर होने वाला है। चंद्रपुर से विनोद दुर्गे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब एक और खबर आपको बताएं। साइबर फ्रॉड के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एनडीटीवी में हमने आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। लगातार लोगों को अलग अलग तरीकों से जालसाज जो हैं वो फंसा रहे हैं और लोग करोड़ों का चूना खा जाते हैं, यानी कि उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, कहीं इंटरनेट से, कहीं फ़ोन से। तो अब SMS के जरिए भी धोखाधड़ी की जा रही है, और वो भी किस तरीके की, आपको वो बता दें। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको ये कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। साइबर ठगों का जो ये फैलता हुआ जाल है, साइबर जो ठगी है उसके मामलों में 200% की वृद्धि हुई। इस साल अब तक साइबर ठगी के 25,000 मामले दर्ज किए गए, 200 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय नुकसान ऐसा बताया जा रहा है। सिर्फ 2-8% पैसे ही वापस मिल पाते हैं और वो ठगी हो जाती है। पिछले साल की तुलना में साइबर ठगी 212% बढ़ी है और UPI फ्रॉड से लेकर बैंक ईमेल स्कैम ये सब भी बढ़े हैं। जनवरी 2022 से लेकर अब तक 2,00,000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं, जिसमें से 1-2% शिकायतों में ही FIR में इनको बदला जाता है। आप सोचिए, ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं। ऐसे कई मामले होते होंगे जिनमें लोग शिकायत तक दर्ज नहीं कराते होंगे। तमाम दावे होते हैं कि साइबर फ्रॉड से निपटने के, बावजूद इसके हर साल साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने इस आंकड़ों में देखा। अब आपको बताते हैं, दिल्ली के एक ज्वेलर हैं, उनके साथ कैसी ठगी हो गई। ये एक ज्वेलर हैं जिनके साथ कुछ अनोखा ही हुआ। ज्वेलर बाहर थे अपनी दुकान से, ठगी करने वाले ने फोन के जरिए बेटों से सोने की चेन की एक डील की। ठग ने कहा कि वो दुकान पर आने की हालत में नहीं है, तो जैसे दुकानदार बोलते हैं कोई बात नहीं हम भिजवा देंगे, तो ठग ने बोला कि मैं ऑनलाइन पैसा दे दूं। बोला हां दे दीजिए, ये लीजिए QR कोड या जो भी NEFT डिटेल, वो दे दी, उसमें अकाउंट नंबर और दुनिया जहां की चीजें होती हैं डिटेल। अब ज्वेलर के पास पैसे मिलने का एक SMS आया, जैसे वो SMS होता है ना कि रिसीव्ड इतना इतना पैसा इस अकाउंट नंबर में XX पूरा करके, वो पूरा वो मैसेज आ गया। तो ज्वेलर जो है वो निश्चिंत हो गया कि मेरे पैसे आ, उसे लगा बैंक में पैसे आ चुके। 2 गोल्ड की चेन उसने उस ठग के बताए हुए पते पर भेज दी। बाद में जब जांच हुई तो उस ज्वेलर ने यह पाया कि SMS तो फर्जी है, SMS तो आ गया, अकाउंट में पैसे नहीं है, कोई पैसा अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। अब तक SMS से ठगी करने वाला पुलिस की गिरफ्त के बाहर है, आप ये सोचिए, यानी कि उसने वो डिटेल ले करके एक फर्जी SMS बना करके और एकदम असली की तरह प्रस्तुत किया। तो जब ये ज्वेलर ठगा जा सकता है तो सोचिए फिर कोई भी ठगा जा सकता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा? SMS को ध्यान से पढ़िए। SMS में किसी भी तरह के अगर बदलाव हुए हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए। भाषा में बदलाव, कोई भी गोपनीय जानकारी SMS में नहीं मांगी जाती। बैंक स्टेटमेंट से सबसे पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं, अगर बड़ी ट्रांजैक्शन हो, मैसेज आया तो आप अपने बैंक का स्टेटमेंट देख लीजिए तुरंत ऑनलाइन जा करके कि वो पैसा सही में ट्रांसफर हुआ है या नहीं। आजकल बैंक एक और चीज़ करने लगे हैं, कोई बड़ी अगर राशि जाती है या आती है तो एक फ़ोन आता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है, अगर हुआ है तो आप वो दबा दें। किसी भी SMS को आँख मूंद कर बैंक का मत मान लीजिए, बहुत बारीकी से पढ़िए और अपने अपने बैंक ब्रांच में जा करके वहाँ पूछ लीजिए कि किस तरीके से मैसेज जो है वो बैंक देता है और कैसे मैसेज जो कि बैंक जैसे लगते हैं लेकिन बैंक के होते नहीं हैं वो ठग भेजते हैं। ये जानकारी आप अपने बैंक वालों से पूरा जान लें। ये जो पूरा मामला है इस पर एक रिपोर्ट फाइल की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने, ये आप देखिएगा जरूर।
चांदनी चौक के कूचा महाजनी में नवल किशोर खंडेलवाल की 51 साल पुरानी दुकान है। बीते हफ्ते जब वो अयोध्या दौरे पर थे तो दिल्ली में उनके साथ धोखा हो गया। एक व्यक्ति ने उनकी दुकान पर संपर्क करके करीब 15 ग्राम की सोने की चेन खरीदी, कहा कि एक जरूरी मीटिंग के चलते वो दुकान पर नहीं आ सकता, वो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देगा और डिलीवरी खान मार्केट में ले लेगा। उसने दुकान पर मौजूद नवल किशोर खंडेलवाल के बेटों से बैंक डिटेल ली। अयोध्या में मौजूद खंडेलवाल साहब को फोन पर 93,400 रुपए बैंक में क्रेडिट होने का मैसेज आया, तो उन्होंने बेटों को स्क्रीनशॉट भेज दिया और बेटों ने सोने की चेन भिजवा दी। अगले ही दिन उसने फिर से वही बहाना बनाया और इस बार 31 ग्राम की मोटी सोने की चेन खरीदी। अयोध्या में मौजूद खंडेलवाल साहब के फोन पर अकाउंट में 1,95,400 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया और उनके बेटों ने गोल्ड चेन डिलीवर करवा दी, लेकिन जब खंडेलवाल साहब ने मोबाइल ऐप में देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई। उनके अकाउंट में ये पैसा आया ही नहीं था। उन्होंने फिर अपने फोन पर आए हुए SMS चेक किए तो देखा कि पैसा अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज उनके बैंक से नहीं आया था, बल्कि इस फ्रॉड व्यक्ति ने भेजा था। पर हमारे दिमाग में उस समय कथा सुन रही थी, कथा में थे, हाँ। तो ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं गया। अच्छा, फिर मैंने बच्चों से कहा, मयंक से और अरुण से कहा कि आप बैंक में जाकर पता करो ये पैसा नहीं आया है, हाँ। ये लोग बैंक में गए तो बैंक वालों ने कहा इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमने ना मैसेज दिया है ना हमारा कोई मैसेज है। कहानी खत्म नहीं हुई। फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को लगा कि जैसे पहले दो बार वो फ्रॉड कर चुका है, तीसरी बार भी कर सकता है। उसने 2,56,000 रुपए बैंक में क्रेडिट होने का फिर मैसेज भेजा। खंडेलवाल साहब और उनके बेटों ने पुलिस के साथ मिलकर उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन उसको शक हो गया इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। हो सकता है उसको आइडिया हो गया इसलिए वो उसने फिर क्या बाद में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा, क्या आपने नेट बैंकिंग में या ऐप में चेक नहीं किया कि पैसा आया नहीं? जो ऐप है, जो नेट बैंकिंग है, वो हमारे फादर के फोन पे ही कनेक्टेड है। अच्छा, तो हमको इसलिए पता नहीं लगा कि वो हमने और दूसरी जगह हमने नहीं ले रखी। कूचा महाजनी के व्यापारी बता रहे हैं कि इस तरह के मामले काफी आ रहे हैं। जब ये मुझे रविवार को जानकारी आई तो मैंने मैसेज पूरा अपनी इंडस्ट्री में भेजा, पूरे हिंदुस्तान में भेजा, तो लोगों के फोन आए कि सर ये हमारे साथ भी हो चुका है इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड, इस तरह का मेरे साथ भी हो चुका है। इस मामले में गृह मंत्रालय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि साइबर कानून के जानकार मानते हैं कि ये साइबर फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और क्रिमिनल ब्रीच का मामला है। ये मैटर साइबर लॉ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है, चीटिंग का केस है। किसी ने एक मैसेज फॉर्ज करके किसी को भेजा है, इसमें ना तो बैंक पोर्टल यूज हुआ, ये टोटल मैटर IPC के अंडर कवर होता है। जो भी है, ये मामला सभी के लिए सीख है कि मैसेज कंटेंट के साथ भेजने वाले का नाम भी देखें। इनकी कुल मिलाकर 2,88,000 रुपए की ठगी इनसे हुई है, बदले में गोल्ड चेन इनसे ले ली गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का नहीं है। बात यह है कि सुविधा अपने साथ साथ कभी कभी समस्या भी लाती है, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। और ये मामला ये बता रहा है कि केवल मैसेज को ही आप ये ना मान लें कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, बल्कि दूसरे सोर्स से भी आप चेक करें, चाहे तो ऐप से चेक कर लें या नेट बैंकिंग से भी चेक कर लें कि हाँ अकाउंट में पैसा आ गया है या नहीं। दिल्ली के कूचा महाजनी से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। जी, तो ये तो एक तरीके का फर्जीवाड़ा आपने देखा, बैंक के SMS का फ्रॉड। अब बैंक आपको आगाह कर रहा है कि आप कैसे SMS, सही SMS और गलत SMS की पहचान करें। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और SMS का फर्जीवाड़ा भी अब सामने आया है। ये क्या है, आइए आपको दिखा दें। ई चालान, यानी कि आपकी गाड़ी का चालान, इसको लेकर के भी आजकल एक नया फर्जीवाड़ा है। ये इतना बड़ा है कि बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञापन छापा। इस विज्ञापन में लिखा है कि सावधान रहें, ई चालान की असली वेबसाइट का पता दिया गया है। यह बताया गया है कि किसी दूसरी साइट पर अगर जाकर पेमेंट आपने किया तो हो सकता है आपके साथ ठगी हो जाए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपका पेमेंट हो, फिर वो आगे के लिए भी हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो जाए। बहुत फर्जीवाड़ा है। वेबसाइट का पूरा पता चेक करें, यह नया घोटाला है। ई चालान का मतलब यह हुआ आप गाड़ी चला रहे हैं,
तो एक एकदम असली दिखने वाला एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर चालान। जरा फुल फ्रेम इसको दिखा दें ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। योर चालान नंबर फलाना फलाना गाड़ी और ये सब ऐसे करके, अब आप वो वहाँ एक लिंक होगा। फर्जी मैसेज में आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि असली से बहुत मिलता जुलता लिंक डालते हैं। आप वहाँ गए, आपने क्लिक किया, फोन हैक हो गया। तो इस चीज़ से भी आपको बचना होगा। अगर आपको अपना चालान चेक करना है तो आप मैसेज पर मत जाइए, इन जालसाजों के जाल में मत फंसिए। आप ऐप पर जाइए, ई परिवहन ऐप जो है उस पर, या फिर वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जा कर के चेक कीजिए। उसमें अमूमन कैमरे में आपकी गाड़ी की फ़ोटो वोटो भी खींची रहती है, वहीं पर जा कर के पैसा चुकाइए। इन फ्रॉडियों से आप जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश कीजिए। यूपी के बरेली में बस रोककर नमाज पढ़ाने के मामले में बर्खास्त कंडक्टर मोहित यादव ने अपने गृह जनपद मैनपुरी में ट्रेन से आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मोहित यादव पर आरोप था कि उन्होंने 3 जून की रात को 2 यात्रियों को नमाज अदा करवाने के लिए बस रुकवा दी थी। परिवार का आरोप है कि मोहित बेरोजगारी के चलते परेशान था, क्योंकि इसी वीडियो के वायरल होने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। दो सवारी के लिए आप ये मान लोगे? ये मान लोगे? नहीं नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है। ये यार भाई, उनकी नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी है। बस यही गलती हो गई यूपी रोडवेज के कंडक्टर मोहित यादव से, कि उसने 2 मुस्लिमों की गुजारिश पर नमाज पढ़ने के लिए 2 मिनट के लिए बस रोक दी। वीडियो जून 2023 का है, जिसमें मोहित वीडियो बना रहे कुछ यात्रियों को समझाते हुए नजर आ रहा है। ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं, ये सही नहीं है। चलो हम बात आपकी मारा, उन्होंने पहले ही हमें बरेली में कह दिया था कि। वीडियो वायरल होने के बाद मोहित यादव और बस ड्राइवर को बिना नोटिस दिए परिवहन विभाग ने उनकी संविदा खत्म कर दी। नौकरी जाने के बाद अवसाद और आर्थिक तंगी की वजह से मोहित ने सोमवार को ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी पत्नी रिंकी ने परिवहन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके पति को रोज बुलाया जाता था, लेकिन अफसरों ने उनका पक्ष नहीं सुना। इससे आहत होकर उन्होंने जान दे दी। मोहित घर में सबसे बड़े थे, वही पूरे परिवार का खर्च चला रहे थे। गाड़ी वाले टोल गेट के लिए रुकी, बता दी उन्होंने नमाज पढ़ ली। अब उस ट्रेन से आया घर, अब बोला क्या करें पापा क्या करें, बोले टेंशन। हमने तब भी उससे कहा बेटा कोई बात ना, छूट गई छूट जाने दो, घर आएगा कट गई भैंसियाँ आके तो गुजर चला देना, मतलब इसलिए बस टेंशन ही भरी रहती थी उसके। इस पूरे मामले में अब तक न यूपी के परिवहन विभाग ने कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही प्रशासन ने। मोहित यादव को 17,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, जिससे वो अपने 8 लोगों का परिवार चलाता था। 3 महीने से कोई काम नहीं था, कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की पर हाथ नाकामी लगी। परेशान होकर के मोहित ने आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी का कहना है कि मोहित को सज़ा मिली कि उसने इंसानियत दिखाई और 2 मुसलमानों के लिए गाड़ी रोक करके उन्हें नमाज पढ़वा दी। बरेली और मैनपुरी से रणदीप और अरशद के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले मुस्लिम कामगार डरे हुए। गुरुग्राम के सेक्टर 70 के पास में मुसलमानों की एक झुग्गी में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए। कहा गया कि वो छोड़कर चले जाए वरना झुग्गी जला दी जाएगी। महिलाओं को लेकर भी धमकी दी गई। ये धमकी भरे पोस्टर किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं। ये पोस्टर देश की मेगा सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर की सेक्टर 69A की झुग्गियों में लगे हैं, जहां ज्यादातर मुसलमान कामगार रहते हैं। रविवार रात लगाए गए पोस्टरों में लिखा है कि झुग्गी वालों 28 अगस्त तक झुग्गियां खाली करके यहां से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। अगर इज्जत बचानी है तो बस 2 दिन है तुम्हारे पास।
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पहले पोस्टर हटवाए, फिर मुकदमा दर्ज कर लोगों को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित हैं। पेपर के ऊपर कुछ बातें इस तरह की लिखी गई हैं कि झुग्गी वासियों को झुग्गिया खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया था, नहीं तो झुग्गिया जलाने की धमकी दी गई थी। इसके बारे में सूचना मिली थी, तो सूचना के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और इसके बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी इसमें, और जो इसके जिम्मेदार जल्दी वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं आसपास बनी ऊंचे चमचमाते फ्लैट्स में साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं। पोस्टर पढ़ने के बाद से ये सब बेहद डरे हुए हैं। उसका भय थोड़ा बहुत रहेगा, 1 दिन 2 दिन बना हुआ, नहीं तो फिर जैसे लोग काम पे चले जाते हैं चले जाएंगे। सुबह तो सब 5 बजे से उठते हैं, 6 बजे 8 बजे सब काम पे रहते, सिर्फ बच्चे रहते तो बच्चे का डर रहेगा बस। क्या करते हो आप यहाँ से? काम मेरा अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, ये कोठियों में? हाँ, हम लोग सारा काम करते हैं, साफ सफाई का खाना। नूह में हुई हिंसा और फिर गुरुग्राम में मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट के बाद इस झुग्गी से भी कई मुस्लिम परिवार डर से पलायन कर चुके हैं और पोस्टरों ने इनका डर और बढ़ा दिया है। पुलिस ने भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो पर 3 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस अब तक ये तक नहीं पता लगा पाई है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं। आसमान को छूती चमचमाती ये बिल्डिंगें, इनको साफ सुथरा ये चमकता हुआ कौन रखता है? इन्हीं झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं लोग अब इनको धमकी मिल रही है क्योंकि ये एक धर्म विशेष हैं। माहौल ख़राब हुआ नूह से, दुकानें जलाई गईं, तोड़ी गईं, तमाम जो लोग बाहर चले गए और अब पोस्टर्स लगने लगे हैं जिसमें ये लिखा है कि 2 या 3 दिन में झुग्गियाँ खाली कर दो वरना जला देंगे। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी भी दी गई है। समाज को आगे आना चाहिए, इनको यकीन दिलाना चाहिए कि आप यहाँ सुरक्षित हैं, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।